अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर आती। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेस्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू testbook.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सुबेदार पद पे नियुक्त राहुल अलावा सर। तो फ्रेंड्स वही मेरे जो मोटिवेशनल क्वेश्चन है, बिना कुछ समय वेस्ट करे मैं शुरू करता हूँ मैं। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस काबिल हमको समझा। मैं बेसिकली धार जिले का रहने वाला हूँ और अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में पदस्थ हूँ। अभी अभी फ़िलहाल मैं साइबर क्राइम में हूँ, टेक्निकल सेल देखता हूँ। तो मेरा शुरू से ही यही था, मैं 10th और 12th के बाद से ही मतलब पुलिस की जॉब में आना चाहता था कि मेरे को पुलिस बनना है, पुलिस बनना है। 12th के बाद जैसे हम लोग आए, वैसे मैथ्स से था मेरा, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग करते करते 4 साल वगैरह हो गए, फिर इंदौर में रह रहे थे तो इंदौर में पुलिसिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज था। तो हमने सोचा कि यार चलो यहाँ पे आए और पुलिस बनने की ज़्यादा है तो थोड़ी तैयारी की जाए। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही सीधे मैंने इसकी तैयारी शुरू की 2016 में लगभग। हाँ 2016 में आया था, तो 2016 में पेपर दिया, पेपर अच्छा गया मेरा। मैं सेल्फ स्टडी करी थी मैंने, मतलब 8 या 10 महीने मेरे को शायद टाइम मिला था, इतने टाइम में ही मैंने कोशिश करी थी। तो पेपर निकल गया था, बस फिजिकल वगैरह का था थोड़ा सा कि फिजिकल करना है, तो फिजिकल के लिए थोड़ी तैयारी करी है ना, सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड जाना आना। तो सर ये अपने डिग्री का में कर रही है सर? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। बीई सिविल? हाँ बीई सिविल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, तो सर ये अभी जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी कि जैसे हाल में आपने तैयारी कर रही थी, तो किन किन बुक से पढ़ा था आपने, कोचिंग सेल्फ स्टडी की? हाँ मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैंने सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड किया, गया सिलेबस क्या है, हम MPSI का क्या सिलेबस आता है, किस हिसाब से आता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा होता है अब, लेकिन क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। तो उसमें सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड किया कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर मैंने देखा कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो मेन मैंने फोकस उसी पर किया। सिलेबस में देखा कि यार ये जो टॉपिक है अपने को उसी के हिसाब से मैंने कुछ बुक्स वगैरह नॉर्मल जैसे जो ल्यूसेंट वगैरह यूज़ तो करते ही है, तो रिविजन के लिए मैंने वो वाली यूज़ की। बाकी मेन मेरा फोकस हिंदी पे था, क्योंकि हिंदी ज़्यादा मार्क्स की आती है इसमें, 70 नंबर की आती है हिंदी, तो हिंदी में जितना कवर कर सकते हैं, तो मेरा फोकस ज़्यादा हिंदी पे था। तो मैंने हिंदी की मतलब थोड़ी से जो NCERT की बुक्स वगैरह आती है वो वाली भी देखी, अपनी MP बोर्ड वाली भी देखी, इनकी पूरी ग्रामर वगैरह देखी, पूरा शुरुआत से किया कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं या क्या बनते हैं या क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें अच्छा रहा मेरा। तो कौन कौन सी सर बुक्स आपने पढ़ा था? बुक्स मैंने ज़्यादा बुक्स वगैरह मतलब मैंने बहुत सारा ज़्यादा अंबार तो नहीं लगाया किताबों का, लेकिन कुछ कुछ रही है मेरी किताबें। मैं सबसे पहले तो अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो PD आती है, PD बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, ये थोड़ा सा देखता था। उसके बाद लूसेंट वगैरह हो गई, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल हो गई है ना, और अपनी इंग्लिश तो ग्रामर वगैरह की जो भी कोई सी भी नॉर्मल एक बुक आ जाती है इंग्लिश ग्रामर की, तो वो देख ली थी। हिंदी के लिए भी हिंदी की कोई व्याकरण लूसेंट वगैरह थी वो देखी थी मैंने। प्लस इसी के साथ में जैसे अपने जो वो एक साप्ताहिक पत्रिका आती है मध्य प्रदेश शासन की, रोजगार निर्माण, हाँ वो वाला पढ़ता था, और उसके पीछे जो क्वेश्चंस आते थे मैं वो प्रैक्टिस करता था, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिली इसमें, क्योंकि उसके कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इन एग्ज़ामों में भी मेरे को मतलब उसका फ़ायदा मिला। तो सर एक सबसे बड़ा सवाल, आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन? घंटे के हिसाब से तो पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अगर मानो तो 10-12 घंटे ही पढ़ता था मैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि पढ़ते 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 मतलब एक वो क्या बोलते हैं अपन, बोरियत टाइप से नहीं होने लग जाती थी, वैसे होने लगती थी। अब मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम मेरे को लगता था मैथ्स में, मैथ्स से क्या था कि अपन क्वेश्चन ना तो रट सकते ना कुछ कर सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी खूब, तो प्रैक्टिस करने के लिए बस एक बोर्ड लिया था, मार्कर लिया और किताब से लगाते रहे। प्रैक्टिस नहीं करते तो बिल्कुल मैथ्स में बड़ी दिक्कत जाती है। और पहले भी मैंने कई सारी एग्ज़ाम दी थी मतलब SSC वगैरह की और इनकी, तो उनमें ये देखा था कि मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम खा जाता है, एक बार अगर करने बैठे और गलत हो गया तो पूरा टाइम चला जाता है।
हाँ मैथ्स में और रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के अपन मतलब कर ही नहीं सकते। तो आप तो इंजीनियर थे तो सर मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आपके लिए इजी रहा ही होगा। नहीं हाँ वो तो रहा था, लेकिन क्या है कि जैसे ये क्वेश्चंस अपने आते हैं एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा से मतलब अगर अपन ने थोड़ा हटके या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने को लगता है कि यार ये तो मैं कर लेता मैथ्स वाला है, तो वो गलत हो जाता है। हाँ ग्रिप बनानी पड़ती है उसके लिए। तो सर आपने इसकी फिज़िकल की तैयारी कैसे की थी? फिज़िकल की तैयारी के लिए तो शुरुआत से मैं मतलब रनिंग वगैरह करता रहता था अपने गांव में। अब गांव में यही होता है कि दौड़ा भागी कर रहे हैं तो करते रहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग के 4-5 साल मतलब एकदम सिटिंग में हो गया मेरा, कॉलेज जाना आना, कोचिंग करना या पढ़ना, बस इतना। तो ये 4 साल बीच के छूट गए थे, तो इसी बीच मेरा उसी साल 2016 में कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी हो गया था। तो मेरे को लगता था कि यार मैं तो रनिंग अच्छी करता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, तो लेकिन रनिंग करने गया इंदौर में तो मैं फेल हो गया फिजिकल में। तब मेरे को समझ में आई कि यार इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर मैंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया, सुबह शाम डेली 1-1.5 घंटा, मेरा छोटा भाई था साथ में तो हम दोनों साथ में दौड़ते थे, रनिंग करते थे, ग्राउंड बहुत सारे लोग आते थे तो बस उन्हीं को देख लिया कर लिया। बस ये था कि यार हमको निकालनी है 15-20, शुरू में तो 20-25 राउंड मारो उस ग्राउंड के पूरे, यार इतना बड़ा है इतना बड़ा हो, बस ये कर करके डेली सुबह शाम प्रैक्टिस की मैंने। और बस नॉर्मल अपना खाना पीना जो रहता है अपन, बस वही, कोई खूब इतना भी नहीं कि यार ये खा लिया वो पी लिया ऐसा कर लिया, 4-4, 8-8 घंटे ग्राउंड में दिए, ऐसा कुछ नहीं, 1-2 घंटे की प्रैक्टिस की थी बस, इतना ही था मेरा। कितने समय में आपका रनिंग निकला था? मेरा रनिंग था 2:26 में मेरा, हाँ 2:26 में। उड़ के गए थे नहीं, मैंने जैसे कांस्टेबल में फेल हो गया था ना, तो मैंने सोचा था कि यार मैं इतना अच्छा दौड़ता हूँ, मेरी रनिंग बहुत अच्छी थी, मैंने कहा उसके बावजूद मैं फेल हो गया, मैंने कहा यार मेरे को एकदम अखर गई, मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। तो मैंने फिर प्रैक्टिस करी अच्छे लग के और फिर दौड़ा, तो हम 20 लोग जो दौड़े थे लाल परेड ग्राउंड में, तो उसमें से सबसे फर्स्ट में ही आया था, 20 में से 14 सिलेक्ट हुए थे और 6 बाहर हो गए थे, तो उनमें से सबसे कम टाइमिंग मेरी थी 2:26 की। नहीं मेरा टारगेट 2:20 का था, 2:20 के हिसाब से मैं करता था प्रैक्टिस की, 2:20 करना या 2:20 से कम करना है, लेकिन अब वो 26 ही हो पाया। अच्छा है भी। सर आपका इंटरव्यू का अनुभव बताइए, आप इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा जिस दिन मेरी रनिंग थी उसी दिन हो गया था, है ना। इंटरव्यू मतलब ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहा। उसका बढ़िया ये रहा कि जैसे ही वहाँ मैं इंटर हुआ, उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, मैंने बताया मैंने क्या इंजीनियरिंग की है, तो बस इंजीनियरिंग के सवाल शुरू हो गए कि अच्छा इंजीनियरिंग में ये क्या होता है वो क्या होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो रहती है ना कि किसी भी स्ट्रीम में अपन करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी फेमस रहती है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो बस वही चीज़ें उन्होंने पूछी, तो वो मेरे को आती भी थी उस समय, तो मैंने थोड़ा बता दिया। एक सर थे, उन्होंने पूछा कि यार आप धार से हैं दामनों से, तो वहाँ के थोड़ा सा जो भी अधिकारी उनके नाम पूछने लगे, बोले कलेक्टर साहब कौन है आपके वहाँ धार के, तो अब अपन तैयारी तो कर ही रहे थे तो इतना तो ध्यान था कि अपने धार में कौन कलेक्टर है ना, अपने थाने के TI कौन है, नाम भी पूछा था, TI साहब का भी नाम पूछा था, बोले TI साहब के नाम बता दिया था, तो उनको लगा चलो ठीक है बढ़िया है, बस इतने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, थोड़ा सही रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर आप जैसे अभी सूबेदार इसमें साइबर क्राइम में है ना सर? हाँ हाँ। तो ये सूबेदार आप नियुक्ति तो आप किसी से डायरेक्ट सूबेदार से होगी, पर हाँ। साइबर क्राइम में कैसे? साइबर क्राइम में से कि मैं टेक्निकल से था, तो साइबर क्राइम में टेक्निकल एक अपना होता है, टेक्निकल क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे हाँ टेक्निकल विंग जो होती है, तो टेक्निकल विंग में क्या हो रहा है क्या करना है मतलब इन सब चीज़ों पे करने वाले लड़के होते हैं वहाँ पे अलग से, लेकिन मतलब एक अपने को उनके ऊपर एक बना के रख देते हैं कि यार आप थोड़ा सा इन पे नज़र रखेंगे देखेंगे, टेक्निकल सुपरवाइजर टाइप से, हाँ तो वो वाला काम। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया सेल देखता हूँ अभी, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि सोशल मीडिया भी अब बहुत वो हो रहा है, तो सोशल मीडिया सेल पे जैसे आपत्तिजनक कंटेंट वगैरह कोई डाल देते हैं, अभद्र टिप्पणी कर देते हैं या फिर ऐसे भड़काऊ चीज़ें अब डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा अपने को मतलब सामुदायिक ऐसी स्थिति बने कि हाँ हिंसा भड़क जाए टाइप की, तो वो चीज़ें तो उन पे देखना, उनको रोकना या कार्रवाई करवाना या उनकी आईडियो को ब्लॉक करवाना, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया की है, तो ये देखते हैं। प्लस गुम मोबाइल है, लॉस सेल फोन यूनिट वगैरह, तो गुम मोबाइलों को ट्रेस करना है कहाँ चल रहा है किसके पास चल रहा है, उनसे रिकवर करके जिसका भी होता है उसको वापस देते हैं, तो ये वाला काम होता है साइबर में मेरे, मतलब मैं ये वाला काम देखता हूँ। जैसे बहुत सुनने में आता है अधिकारियों की फेक प्रोफाइल बन जाती है, सब बन जाती है, हाँ। तो उसकी कोई शिकायत करना चाहे कि मेरी फेक प्रोफाइल बनी है, सिर्फ पैसे मांग रहा है कोई, तो ये किस तरीके से इसको बंद कर सकते हो उस पर? इसके लिए तो देखिए फेक प्रोफाइल के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी फेसबुक की जो प्रोफाइल उसको सबसे पहले तो लॉक रखें,
है ना, लॉक का ऑप्शन देता है फेसबुक, उसको अगर अपन लॉक रखेंगे तो कोई भी अननोन व्यक्ति है वो अपनी कुछ भी पर्सनल फोटोज़ वगैरह नहीं डाउनलोड कर पाएगा। फोटोज़ डाउनलोड नहीं करेगा तो वो अपनी फेक प्रोफाइल बना नहीं पाएगा, है ना। अगर अपन लॉक करके नहीं रखेंगे तो अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ कोई भी देख सकता है। उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ कौन देख सकता है, सभी देख सकते हैं, या फिर आपके दोस्त देख सकते हैं, या फिर कोई नहीं देख सकता, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देता है अपने को फेसबुक। तो अपन थोड़ा सा अगर अवेयर रहेंगे तो अपने साथ फ्रॉड होने से, मतलब या फिर अपने नाम से या अपने साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अभी भी हम यहाँ देखते हैं बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं कि कई सारे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बोलते हैं यार हमारे साथ ऐसा हो गया, ये लिंक पे क्लिक कर दिया हमने, या फिर ऐसा आया था तो OTP बता दिया हमने। तो मतलब हम कई बार सुनते हैं कि OTP किसी को नहीं बताना होता है, बैंक कभी OTP नहीं मांगता है, या फिर कोई ऐसी कई सारी चीज़ें रहती है। लेकिन क्या है, अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्जी प्रोफाइल भी अगर बना भी ली हो, सबसे पहले तो लॉक रखें, और अगर बन भी गई हो तो अपन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो भी साथी हैं उनको बता सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया है व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, फेसबुक से भी डाल सकते हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल हैक हो गई है, कृपया अगर कुछ पैसों क्या मांग वगैरह होती है तो कृपया ना दें, एक बार कॉल कर लें। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर किसी को भी कुछ लेना देना हो तो एक बार कॉल जरूर कर लेना चाहिए कि यार भाई क्या हो गया, पूछ तो सकते हैं। अगर उसने मोह लिया भैया 10,000 की ज़रूरत है अर्जेंट दे दो, तो कॉल तो कर ही सकते हैं कि यार भाई क्या दिक्कत हो गई। तो कॉल करने से थोड़ी चीज़ आसान हो जाती है, अगर फेक भी होगा तो क्लियर हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अपन उसी तुरंत समझ जाएंगे। फिर भी अगर किसी की फेक प्रोफाइल बन जाती है तो आप अगर कुछ एक्शन लेते हैं? हाँ, उसके लिए तो ये रहता है, जैसे फेक प्रोफाइल बनती है तो अगर मान लो वो साइबर क्राइम में जाकर शिकायत करता है, आवेदन देता है, तो उसकी प्रोफाइल वगैरह का URL वगैरह जो भी रहता है वो हमसे ले लेते हैं कि भाई कौन सा URL जो फेक है वो वाला हम दे दीजिए। फेसबुक का हेडक्वार्टर को एक मेल करते हैं हम यहाँ से कि ये वाली जो प्रोफाइल है ये फर्जी है, ये हाँ विदेश में फेसबुक हेडक्वार्टर जो है, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं बना है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है मेन अपना, तो वहीं हम उसको मेल करते हैं यहाँ से mail ID से, गवर्नमेंट mail ID से मेल करते हैं, तो वो मेल से फिर वहाँ से ब्लॉक करते हैं उस ID को, बंद करते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा पहले क्लियर करता है कि वाकई में क्या है, सही है गलत है क्या नहीं है। प्लस एक और रास्ता रहता है कि अगर जैसे किसी की फेक ID बन गई हो तो उसके जो भी दोस्त लोग रहते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उस ID की रिपोर्ट, अपने को रिपोर्ट करने का भी एक ऑप्शन मिलता है फेसबुक में कि रिपोर्ट दिस ID, तो अगर रिपोर्ट करेंगे और उस पर लिखेंगे कि ये ब्लॉक करने के लिए है ना, तो अगर 25-30-50 लोग अगर उसको ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं तो फेसबुक उसको ब्लॉक कर देता है, तो ऐसा भी होता है। तो सर सुबेदार अगर आपको इसमें आना है तो टेक्निकल विंग, टेक्निकल ग्रेजुएशन जिसके पास होगा वही इस टाइप की विंग में आ पाएगा। हाँ, साइबर के लिए तो टेक्निकल की ज़रूरत है क्योंकि टेक्निकल वाले ही साइबर इसमें काम कर पाएंगे, है ना। और सर फाइनल आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दीजिए कि किस टाइप से आगे तैयारी करें, और अभी जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो सर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ, ये इसके लिए तो वाकई में ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि वैकेंसी मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया अभी तक नहीं आई है, तो वैकेंसीज नहीं आना, अब इसमें अपन तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अपन सब्र रखें, धैर्य रखें, आएगी वैकेंसी आएगी, तैयारी करते रहें, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी। प्लस यही कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, हमको क्या करना है, उसका एक पूरा क्या बोल सकते हैं अपन, एक खाका तैयार करके रखें कि हाँ वाकई में को ये करना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा है, कितना पढ़ोगे आप, है ना, तो सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। प्लस मैथ्स रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ना, बिना प्रैक्टिस के अपन सोचे कि हम जाके कर लेंगे तो वो इतना टाइम खा जाएगा कि अपन पूरा पेपर बिगाड़ के आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करें, है ना। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस और एग्ज़ाम ये के साथ साथ कम से कम फिजिकल की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लड़के बाहर हो जाते हैं, मेन सबसे बात यही होता है कि फिजिकल में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं, पहले तो हाँ नहीं फिजिकल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिजिकल ऐसा होता है कि 3 इवेंट होते हैं अभी तो फिलहाल, 3 में से एक में भी अगर आप बाहर हैं तो मतलब आप पूरा बाहर हो जाएंगे, मतलब गोला फेक लंबी कूद हो जाती है, मेन तो रनिंग ही है कि 800 मीटर की आप रनिंग कर लीजिए पूरी, बस रनिंग निकल गई फिर तो सब निकल सकते हैं, तो बस यही रहेगा कि तैयारी करने वाले अच्छी तैयारी करते रहें, है ना, एग्ज़ाम आएगी बढ़िया तैयारी करें। तो फ्रेंड्स देखा सर ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि साइबर क्राइम में किस तरीके से काम करता है, अभी तक मैंने किसी भी साइबर क्राइम सुबेदार सर का इंटरव्यू नहीं लिया था, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने वैल्यूएबल समय से समय दिया सर ने,
तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय हिंद।